नमस्कार, मेरा नाम विवेक रे है और भक्ति वचन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बाइबल के इस अद्भुत किताब का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। ये किताब जो दरअसल में एक पत्र है, एक चिट्ठी है, जो हमें उस आज़ादी के बारे में बताती है जो यीशु मसीह में हमें मिलती है, वो स्वतंत्रता जो हमारी है। जो लोग भक्ति वचन में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हर सप्ताह हम सप्ताह में 5 दिन बाइबल की एक किताब के एक अध्याय का अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसका खुद का वचन हमारे लिए, जिसमें हमारे जीवन को बदलने की असीम ताकत है। और ये गलतियों की किताब, ये तो जीवन के जीने के पूरे रवैये को, पूरे एटीट्यूड को ही बदल डालने की सामर्थ्य रखती है। यह बाइबल में से मेरी पसंदीदा किताबों में से है। यह किताब परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहने के बारे में है। यह बताती है कि आप धर्मी अपनी कोशिशों से अपना खुद का जोर लगाकर नहीं बन सकते कभी भी। अनुग्रह में रहते हुए आत्मा में चलकर आप धर्मी बनते हो। अनुग्रह और साथ में कुछ और नहीं, केवल और केवल अनुग्रह। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है, पर अभी तक आप रूढ़िवादी परंपराओं, पुराने नियमों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आप अब भी डर कर जीवन जीते हैं, शंका में रहते हैं कि क्या सच में आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने योग्य हैं कि नहीं है, तो यह किताब आपके जीवन में यीशु मसीह में एक निश्चितता की घोषणा करती है। आपको यीशु मसीह में स्वतंत्रता की नई उद्घोषणा करती है। आज हम इस किताब के पहले अध्याय के पहले 2 पदों को ही देखेंगे। गलातियों की इस किताब की अगर इसको एक नाटक की तरह देखें, तो आज हम इस नाटक के पात्रों को देखने वाले हैं और कल हम गलातियों की पृष्ठभूमि, इसके प्लॉट को देखेंगे। मैं आपको आपके लिए पहले 2 पद पढ़कर सुनाता हूँ। पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम। गलातियों को समझने के लिए पहले इसके पात्रों को समझिए। 3 मुख्य पात्र हैं, या कहिए कि 1 मुख्य पात्र है और 2 पात्रों के समूह हैं। पहला पात्र है पौलुस, जो कि इस किताब का पहला शब्द भी है, क्योंकि यह दरअसल में एक चिट्ठी है और पौलुस उस समय चिट्ठी लिखने की जो रीति थी उसके अनुसार पहले अपना परिचय दे रहा है। यहाँ पौलुस के चरित्र के 3 पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। वो एक यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों को भेजा गया प्रेरित था। अन्य जाति मतलब जो यहूदी नहीं थे। वह एक मिशनरी है, एक सुसमाचार प्रचारक है, पर साथ ही में वह यह चिट्ठी एक पिता के हृदय से भी लिख रहा है। एक पिता जिसने इस कलीसिया को सींचा था, उसे प्यार किया था। वह एक प्रेरित था। प्रेरित वो व्यक्ति थे जिनकी यीशु के पृथ्वी के जीवन के समय घनिष्ठता थी यीशु के साथ। पर पौलुस तो उस समय यीशु के साथ नहीं था, फिर भी वो कहता है कि मैं प्रेरित हूँ। पौलुस का बाद में पुनरुत्थित यीशु के साथ साक्षात्कार हुआ, उसका यीशु के साथ व्यक्तिगत अनुभव हुआ, वह यीशु के साथ चला और यीशु ने उसे अन्य जातियों के बीच प्रेरित चुना। यीशु ने खुद यह अधिकार उसे दिया, क्योंकि प्रेरित वो व्यक्ति होता है जिसके पास अधिकार होता है और वो जिसकी यीशु के साथ घनिष्ठता होती है, क्योंकि उन्होंने यीशु को वो महान आदेश देते हुए सुना था, उनको आदेश दिया था सुसमाचार को पूरी दुनिया में लेकर जाने का। और प्रेरित होने का अर्थ ये कोई गर्व का विषय नहीं है, कोई महिमा का विषय भी नहीं है, यह अधिक दायित्व का विषय है। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दूसरों तक यीशु के उद्धार के सुसमाचार को पहुंचाए। और इसलिए पौलुस कहता है कि वो मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेरित ठहराया है, और इसलिए वह एक सुसमाचार प्रचारक है, एक मिशनरी। उसने पहली बार गलातियों को सुसमाचार सुनाया था, उसने उस मंडली की स्थापना की थी। हम इस किताब में आगे अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि पौलुस कहता है कि वो गलातियों की मंडली के आत्मिक विकास के लिए जच्चा के समान पीड़ाएं
सहता था। इतना गहरा है पौलुस का प्रेम इस कलीसिया के लिए, इसलिए वह ही इस चिट्ठी उसी माता पिता वाले हृदय के साथ लिख रहा है। और जब वह देख रहा है कि उसके बच्चे आत्मिक संकट में हैं, तो इस बात को लेकर वह चिंतित है और उसके लहजे में एक तत्कालिकता, एक अर्जेंसी है, एक क्रोध भी है, क्रोध उनके प्रति जो उसके इन प्रिय जनों को भटका रहा है। वही क्रोध जो आपको होगा जब आप देखोगे कि आपके बच्चों को कोई भटका रहा है और वो भी भटक रहे हैं। इसलिए इस किताब में हम उन लोगों के प्रति पौलुस को कुछ बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए देखेंगे, पर साथ में उसको आश्चर्य भी करते हुए देखेंगे। गलितियों की मंडली इस फंदे में फंस गई थी और इसलिए उसके लहजे में एक अति आवश्यकता, एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी है, क्योंकि वह चाहता है कि वे लोग इस जाल में जल्दी से जल्दी जाल से बाहर निकल आएं। जो पहला चरित्र पौलुस है, तो दूसरा चरित्र है गलितियों की ये मंडली। अब यह गलितिया प्राचीन समय के अंताकिया, लिस्टर और दर्बी प्रांत या वहाँ पे कहीं पे था। वहाँ पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा की थी और पौलुस की बातों से हमें समझ में आता है कि यह मंडली भटक रही थी। वह भटक रही थी यीशु के अनुग्रह के सुसमाचार से, और इस बात से पौलुस कितना व्यथित था, कितना तकलीफ उसको हो रही थी, यह पहले दो अध्याय में ही समझ में आ जाता है। पौलुस हैरान था कि यह देखकर कि इतनी जल्दी वे लोग अनुग्रह के सुसमाचार से हट कैसे गए हैं, नियम और व्यवस्था की शिक्षा की ओर कैसे वो आकर्षित हो रहे हैं, कैसे उस जंजीर में जो जंजीर उनको बांध देगी। हम देखेंगे कैसे पौलुस इनको निर्बुद्धि और मूर्ख कहकर संबोधित करता है, जिनको अकल नहीं है, वो मोहित हो रहे हैं। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है यह सोचकर कि वो लोग मूर्ख थे जैसे हम बहुत अकलमंद हैं, क्योंकि यह आज की दुनिया की और हमारे देश की कलीसिया में उसके बहुत बड़े भाग के लिए भी ये सच है, और हम में से हर एक के जीवन में भी ये वो क्षण आता है जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार से विमुख होकर ईसाई धर्म, गौर कीजिएगा, ईसाई धर्म के कर्म कांडों, रस्मों और परंपराओं पर अधिक आस्था रखने लगते हैं। पौलुस की यह हैरानी और व्यथा हम सब के लिए है। तो एक चरित्र पौलुस है, दूसरा चरित्र या गलितियों की कलीसिया, या फिर आज की कलीसिया को कह लीजिए मैं और आप, जिसे अनुग्रह में चलने से अधिक नियमों और व्यवस्था में चलना ज्यादा लुभाता है। पर यहाँ एक तीसरा समूह भी है जिसे इस किताब को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह समूह है जिनको हम जुडाइजर्स बोलते हैं। कौन थे ये जुडाइजर्स? ये लोग भी ईसाई लोग थे, पर ये लोग यहूदी भी थे। ठीक पौलुस भी वो भी यहूदी था, पर फर्क क्या था दोनों में? ये जो जुडाइजर्स थे, ये लोग यीशु मसीह के नए विश्वासियों को यह कहते थे कि अगर उनको सच में उद्धार चाहिए तो उनको यहूदी भी बनना पड़ेगा, उनको पुराने नियमों में दी गई मूसा की व्यवस्थाओं का भी पालन करना होगा, यहूदी परंपराओं को मानना होगा, तभी आप यीशु के अनुयायी हो सकते हो। ये लोग अन्य जाति के यहूदीकरण करना चाहते थे। वो एक तरह से यह सिखा रहे थे कि यीशु मसीह ही सत्य और उद्धार नहीं है, केवल उसी से सत्य और उद्धार, वही सत्य नहीं है और उसी से उद्धार नहीं मिलता, उसके साथ में आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ और है जिससे उद्धार मिलता है, व्यवस्था से उद्धार मिलता है, साथ में यीशु मसीह भी चाहिए, जबकि सुसमाचार ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। आज भी इस तरह के शिक्षकों की भरमार है। आज यहूदीकरण शायद नहीं करते लोग, पर नए विश्वासियों से यह कहते हैं कि उनको उनके बनाए हुए नियमों को मानना होगा, उनको एक अलग सभ्यता अपनानी होगी, पहनावा बदलना होगा, खान पान बदलना होगा, एक विशेष प्रकार से की आराधना करनी होगी। अगर बोले तो यीशु मसीह के विश्वासी होने के लिए आपको वो ईसाई धर्मों के नियमों को पालन करना होगा जो वो लोग करते हैं। इस बारे में हम इस सप्ताह बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बाकी दिनों भी इस बारे में बात करेंगे 6 हफ्ते तक। और ये जुडाइजर्स या इस किस्म के लोग हमेशा लोगों का शासन करना चाहते हैं, उन पर शासन करना चाहते हैं, उन पर आधिपत्य रखना चाहते हैं। जो कोई इनकी बातों से सहमत नहीं होता, अनुग्रह की बात करता है, उन पर ये व्यक्तिगत हमला बोल देते हैं। ठीक ऐसा ही हमला इन्होंने पौलुस पर भी किया था।
इसलिए इस सप्ताह यहाँ पौलुस अपने प्रेरित होने के अधिकार का बचाव करते हुए भी नजर आएगा। तो यह है तीन पात्र या पात्र के समूह इन छह अध्याय की किताब में। पौलुस ने अलग अलग कलीसिया को कई पत्र लिखे और यह उसका सबसे पहला पत्र था। यह करीब 45 ईस्वी में लिखा था, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा का अंत कर रहे थे और उनको खबर मिलती है कि कैसे गलीतियों के विश्वासी गलत शिक्षा में पड़ गए हैं, और पौलुस ने पवित्र आत्मा में भर कर जल्दी जल्दी से यह पत्र लिखा, जिसलिए वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई में वापस आए। कुछ लोग कहते हैं गलतियां बहुत ही खतरनाक किताब है, और यह सच है, ये बहुत खतरनाक है। विश्वास को लेकर, गलत विचारों को लेकर, गलत विचारों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक है उन लोगों के लिए जिन्होंने ईसाई धर्म की दुकान खोल रखी है। ये किताब एक आमंत्रण है स्वतंत्रता का, परमेश्वर के साथ निजी व्यक्तिगत संबंध का, जो केवल और केवल उसके अनुग्रह पर आधारित है। तो जब हम इस किताब का एक साथ अध्ययन करेंगे, तो मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे हृदय में काम करे, जो वही कर सकता है, हमारे जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता, असली आज़ादी लाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर अपना अनुग्रह रख। जब इस किताब का अध्ययन करते हैं, हम तेरे दी हुई वास्तविक स्वतंत्रता को समझ पाए, जान पाए। हम कितनी आसानी से व्यवस्था में चले जाते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं। हमको लगता है कि वही नियम हमको तेरे साथ हमारा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। तेरे साथ संबंध केवल और केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा हो सकता है, जो यीशु मसीह में आया। हमें उस अनुग्रह को समझने का अनुग्रह दे। जैसे हम ये किताब पढ़ें, हमारे अंदर काम कर, हमें बदल, हमें समझा कि हम खुद अनुग्रह को समझ सकें, इस अनुग्रह में चल सकें और दूसरों को वो अनुग्रह देते हुए उन्हें अनुग्रह के बारे में बता सकें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा, कल हम अपनी स्वतंत्रता और यीशु मसीह के उद्धार के बारे में इस महान पुस्तक का एक तरह से शुभारंभ करने जा रहे हैं, आज सिर्फ भूमिका थी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।